Hello, welcome back in my class, Bhavna's class. And today I am sharing small plants name. So let's start. चलिए जो first picture में आप देख रहे हैं ये है एक छोटे से पेड़ पर आने वाला कॉटन का फूल. कॉटन का फूल, ठीक है. कपास जो फूल होता है और जो फूल खिलता है तो उसमें से कॉटन निकलती है, यानी कि रुई. तो रुई आपको किससे मिलती है? कपास के पौधे से, ठीक है, कपास के पौधे से. और ये है मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे का फूल. आप देखते होगे ना, दिवाली पर अक्सर गेंदे के फूलों के हम घर के डेकोरेशन करते हैं. तो ये है मैरीगोल्ड, यानी गेंदे का फूल. और ये है एलोएवेरा. बच्चों, अक्सर घरों में गमलों में ये लगाया जाता है. ये अच्छा हर्बल प्लांट होता है. सनफ्लावर का फूल. सनफ्लावर की क्या खास बात होती है? इसकी खास बात होती है कि जिस तरफ सन होता है इसका मुंह भी, इसका फेस भी फूल का उसी तरफ होता है, ठीक है. और यह है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का फूल. ये पूजा पाठ में अक्सर यूज किया जाता है. और यह है कॉसमोस, कॉसमोस का फूल. ये है पुदीना, यानी कि मिंट, ठीक है. मिंट का सीजन चल रहा है इन दोनों. पुदीने और अमिया की चटनी काफी घरों में बन रही होगी. भाई हमारे यहाँ तो काफी बनती है. और ये है कोरिएंडर, यानी कि धनिया. धनिया अक्सर हम इसकी लीव्स को सब्जी बनने के बाद ऊपर से गार्निश करते हैं. इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है. और ये है स्पिनेश यानी कि पालक. स्पिनेश यानी कि पालक. ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती है. इसमें आयरन काफी प्रचुर मात्रा में होती है. इसलिए बच्चों ये आपको खाना चाहिए. आप खाएंगी ना निकिता? यस. ओके. ये है तुलसी. ये भी हर्बल प्लांट होता है. इसको हम उपयोग चाय में, दवा में, और ये काफी आयुर्वेदिक पौधा होता है. उपयोग करते हैं हम इसका चाय में और दवा के पर्पज से भी यूज करते हैं. जब बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम शहद और काली मिर्च के साथ मिलाकर इसकी पत्तियों को खाने से हमें काफी राहत मिलती है. ये है टमाटो, यानी कि टमाटर. टमाटर तो आप जानते ही होंगे. निकिता लाइक्स वेरी मच टमेटोज इन सलाद, है ना निकिता? यस. एंड दिस वन इज रोज. आई लव रोज. इट्स फ्रेग्रेंस इज सो ऑसम. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ. हम आपको अवेलेबल कराएंगे पढ़ाई से रिलेटेड इस तरह की छोटी छोटी वीडियो, जिसमें कि आपका टाइम भी बचेगा और आप सीखेंगे भी बहुत ज्यादा. तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. थैंक यू सो मच.